चलो चलो आगे बढ़ो राजी, आगे बढ़ो राजी। ये कहाँ पार हो गया, बहुत ही बेकार। चलो राजी पर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जंप 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 राजी। चलो 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 वादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। राजी मर गए, चलो लेट्स गो सरू से ट्राई करते हैं। अब राजी पार करते। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और अब भगवान शिव को कुछ करना होगा। देखिए महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया? पता नहीं भगवान, वो ये आदमी हवा में कहाँ तैर रहे हुआ। नई पावर मिली है भाई। कहाँ जाना है? और ऊपर और ऊपर और ऊपर और देखो रास्ता तो मिला। ये
असुरों के युद्ध का कुल चिन्ह है, एक बुरी शक्ति जिससे बहुत सारे जीवों को बुलाया जाता है। राजी को सावधान रहना होगा। नागदेव का प्रणाम। सांप निंजा आ गया। मार दिया निंजा को भी। क्या यही तुम्हारी ताकत थी? ना राजी, बच्चे पर आ गए तो बेचारे क्या करें। बच गई भाई। मर गई बेचारी, फिर मर गई। वो पहुंच गई, पजल सॉल्व करते चलो। ये तो पहुंच गई यार। नहीं, मदद नहीं होगी। वो मेरे साथ रहता है। अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। ये राक्षस है। आपने भगवान कहाँ गई? गई यार, चलो पार हो गया पड़े।
पानी के आस पास चली गई है। अच्छा इस बार वैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सही है पावर का। बाहर निकलो यहाँ से। सबको मार डाला ये रब्बा। हम लोग सबको मार ये क्या रखे गुजरा था। आगे बढ़ कहाँ जंपिंग कर दिया है। मोस्टर चिल्ला रहा है। चलो फ्रेंड उनके मिल गया रास्ता जाने का यहाँ। हाँ रामोन से बहुत तो मिल जाता है चिल्ला रहा था। मर गई बेचारी। यह वो सांप देवता नाग देवता सांप देवता नाग देवता सांप देवता नाग देवता सांप देवता नाग देवता सांप देवता कहाँ से बोलना आ गए। इधर का ये तो मरने वाले काम है। इसके भोलेनाथ के दर्शन कर लो भोलेनाथ के। भगवान शिव महादेव आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ। महादेव मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी।
पड़ेगी। पहाड़ों पे चले आएंगे हम तो तेरे प्यार में। कहाँ क्या गरज रहा है मारू मसाले के बाद में। वाह ये कहाँ चल गई। दूसरा बच्चा उसका भाई, उसने महाबाल असुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक संकी जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। ये रोहिणी के एमटीके की दृश्य आपके सामने है। कपड़े पहनते जाती एक महिला, क्या मजबूरी रही होगी थोड़ा। राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की, और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ कायर, मैं तुम्हें और मौसमों को मार के नहीं दूंगी। एक आदमी जिंदा है बेचारा, उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबाला सूर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। बालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। दिव्यनाथ, मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ। सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है, ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी इसका भरोसा जीतना होगा। रक्षक शांत हो जाए। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं यहाँ केवल उनकी मदद करने आई हूँ। सेल वाइट
भाई को खोया है, वो हारेगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं होनी चाहिए। वो गोलू को एक बार खो चुकी है, वो उसे अब बचाने का कैसे सोच सकती है? दीदी तुमने मुझे पहले भी खो दिया। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। मुझे दोबारा मत खो देना। मिल गया, वो दूरी पर यही है दरवाजा। मुझे भरोसा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन रहस्यवादियों को इनके इरादे पता है। बेशक वे रास्ते में ही मिलेंगे देवभूमि के द्वार। ये बहुत अजीब है, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चक्कर बनाओ समय बस इतना ही कर सकता हूँ।
धन्यवाद भगवान विष्णु, आपने मुझे एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी। महाबालसुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। क्या मिल गया ने? ये जरूर सुदर्शन चक्र है। मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये आपको नष्ट कर देगा। आखिरकार राजी। उस लड़के की बहन भगवान
शत्रु ने संख्या में खुद को कई गुना बढ़ा लिया।